पहली बार 3D ग्लासेस आज लिए नहीं वापस उन्होंने, कोई भी नहीं था चेक के लिए। सो हर कोई अपने साथ ले गया, मुझे भी जगह नहीं मिली। सो इट्स विद मी नाउ, बट मैं करूँगा क्या इनका ये मुझे नहीं पता। और अगर आपको ये डाउट है कि सिनेमाज के अंदर आना इस टाइम पे सेफ़ है या नहीं, सो आई वुड से कि इट्स कम्प्लीटली सेफ। नाइस, मतलब जनता निकल रही है बाहर, एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। सो हेलो गाइज, इंद्र जोन में आपका स्वागत है, दिस इज़ माई जोन। तो मुझे जो भी पसंद आता है, जिस तरह की भी वीडियोज़ मुझे लगता है डालनी चाहिए, मैं वो इस चैनल पर डाल देता हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी स्पेशल, क्योंकि एक तो पहली बार मैं व्लॉग ट्राई करने की भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक कभी किया नहीं, रियल टाइम मैं बोल नहीं पाता हूँ ज़्यादा। बट क्योंकि थोड़ा स्पेशल था आज का व्लॉग, बहुत टाइम के बाद मैं एक थिएटर के अंदर मूवी देखने जा रहा था, बेल बॉटम, जो आज रिलीज़ हुई है। सो आई एम गोना वॉच फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन 3D। सो ये भी काफ़ी एक्साइटेड रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बेल बॉटम का एकदम से यू नो प्रमोशन हो चुकी थी स्टार्ट, और 10 दिन के बाद आया कि 3D में भी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। सो 10 बजे का शो है गाइस मेरा, एंड इस 8:45 ऑलरेडी, और यहाँ से मुझे 25-30 किलोमीटर जाना है, तो काफ़ी टाइम भी लगेगा। सो गाइस देखते हैं, ट्राई करके व्लॉग की भी बताना मुझे आपको कैसा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा इंद्र जोन में। बाकी दूसरा चैनल आप में से जिन लोगों को पता है कि द लास्ट रिव्यू, जिस पर मैं ये रिव्यू करने वाला हूँ वीडियो को, इस फिल्म को, बेल बॉटम को, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि वो मेरा चैनल थोड़ा पुराना है, वहाँ पर सब्सक्राइबर्स भी थोड़े ठीक ठाक हैं। सो गाइस अब काफ़ी बातें हो गई, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर बेल बॉटम। सो गाइस ऑल सेट नाउ, चलने के लिए तैयार है गाड़ी। अकेला ही जाता हूँ मैं अक्सर मूवीज़ देखने, क्योंकि अब मुझे रिव्यू करना होता तो फिर किसी को क्या साथ में लूँ। तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना रास्ता, क्योंकि मुझे लगभग आधा पौना घंटा लग जाएगा पहुँचने में। तो गाड़ी की सेल्फ मार दिया दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा शहर का नज़ारा, फिर निकलते हैं। सो गाइज आफ्टर 45 मिनट्स फाइनली आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन, इट्स फन सिनेमा गैलेक्सी मॉल इन अम्बाला सिटी। सो बेल बॉटम देखने आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत टाइम के बाद मैंने इसके दर्शन किए। हालांकि मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ, बट इस पार्किंग में बहुत टाइम बाद गाड़ी लगाई। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये थिएटर कैसा दिखता है बाहर से, एक्चुअली मॉल कैसा दिखता है, फिर आगे थिएटर में भी जाएंगे हम। सो 10 बजे का शो है एंड इट्स 9:43, ज़्यादा समय नहीं है। सो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, और ये थिएटर और ये सिनेमा कैसा दिखता है बाहर से। सो ये है दोस्तों गैलेक्सी मॉल, या नीचे मैकडी है, और ये फिलहाल पुआड़ा का ही पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, जो मैं देख नहीं पाया। मेरा मन था देखने का ये फिल्म, शायद आगे देखूँ, बट रिव्यू नहीं कर पाऊँगा एज एम लेट। सो दिस इज़ द पार्किंग, खाली पड़ी है, और कोई टाइम था कि यहाँ पर जगह नहीं मिलती थी गाड़ी लगाने की भी। सो चलते हैं फिर आगे, लेते हैं टिकट विकेट, देखते हैं कितने की है, क्या सीन रहता है। सो गाइस फाइनली आई एम डन विद द टिकट। काफ़ी भीड़ थी और मैं काफ़ी हैरान हुआ देखकर कि बहुत टाइम बाद कोई मूवी रिलीज़ हो रही है, और ये इस लेवल की लोगों में एक्साइटमेंट है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। सो मास्क मैंडेटरी है, लास्ट टाइम बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ, जब मैं संदीप और पिंकी फरार देखने आया था, मास्क नहीं था और ऊपर मास्क मिल नहीं रहा था, मुझे वापस नीचे आकर काफ़ी दूर जाना पड़ा कैमी शॉप पर मास्क लेने के लिए। सो अब देखते हैं, अंदर चलते हैं, कैसा माहौल होगा कैसा नहीं। वैसे मुझे लग रहा है अच्छा खासा क्राउड होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ क्राउड, दे देखिए लाइन। सो गाइस अब चलते हैं फाइनली ऊपर। सो गाइस एंट्री में कर चुका हूँ, और ये फॉर्मेलिटीज है एंट्री पे, आपको हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, आपको स्कैनिंग करवानी पड़ेगी अपनी। टेम्परेचर अगर आपको आता है, सर यू नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल, एंड हियर इट इज़ बेल बॉटम आफ्टर लॉन्ग टाइम। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, क्राउड थोड़ा बहुत अभी है, बाकी लोग आ रहे होंगे, नीचे टिकट्स ले रहे हैं। दिस इज़ ओडी वन, यहाँ पर हमारा शो नहीं है। सो गाइस डन विद द फिल्म। फिल्म कैसी थी, ये कैसी है, कैसी नहीं, ये आपको मेरे दूसरे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा, जो द लास्ट रिव्यू, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से रिव्यू चेक कर सकते हैं। बट एज़ यू नो दिस इज़ अ कम्प्लीट व्लॉग, जो मैंने अभी भी स्टार्ट किया है ये चैनल, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसी तरह के व्लॉग के लिए।
एंड इज जस्ट इन दर जोन। तो मैं क्या करता हूँ और क्या मेरी दिनचर्या रहती है, ये सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आगे के व्लॉग्स के अंदर। सो फिलहाल मूवी इज़ डन। और 3D के अंदर देखी मैंने, जो कि मेरा थोड़ा सा बुरा रहा एक्सपीरियंस। इसमें मूवी 3D के लिए बनी नहीं थी एक्चुअली, और पहली बार 3D ग्लासेस आज लिए नहीं वापस उन्होंने, कोई भी नहीं था चेक के लिए। सो हर कोई अपने साथ ले गया, मुझे भी जगह नहीं मिली। सो इट्स विद मी नाउ, बट मैं करूँगा क्या इनका ये मुझे नहीं पता। सो गाइस द बेल बॉटम हो चुकी है, डन। फिल्म के अंदर क्राउड भी अच्छा खासा था। और अगर आपको ये डाउट है कि सिनेमाज के अंदर आना इस टाइम पे सेफ है या नहीं, सो आई वुड से कि इस कम्प्लीटली सेफ़। काफ़ी सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। एंट्री पर ही आपको यू नो मास्क होना चाहिए, तभी एंट्री मिलेगी। जैसा कि आपने देखा भी था, एंट्री के टाइम पे आपको सैनिटाइजेशन प्रॉपर करवा के अंदर भेजेंगे, एंड दैट्स इट। और मुझे लगता है कि और एक एक सीट के गैप पर बैठे हैं लोग, तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, तो आप एक साथ बैठ सकते हो। बट इफ़ यू आर स्ट्रेंजर्स, देन देर इज़ अ मार्जिन ऑफ अ सीट बिटवीन यू। सो मुझे लगता है कि थिएटर्स इस टाइम पे बिल्कुल सेफ हैं, और ये ज़रूरत है यार थिएटर्स को इस टाइम पे, सीने एग्जीबिटर्स को स्पेशली। तो हम सब लोगों को थिएटर्स के अंदर आना चाहिए और मूवीज़ भी देखनी चाहिए, इस पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और बहुत हो चुकी है बोरियत की लाइफ, और वैसे ही बेल बॉटम देखनी चाहिए सबको। इतना ही बताऊंगा मैं, बाकी आप पूरी डिटेल्ड वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। सो गाइस अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मैकडी ही लगता है मुझे, बट सामने एक बहुत अच्छी मार्केट है, कुछ देखता हूँ अगर स्ट्रीट फूड मिलता है, अदरवाइज मैकडी तो है ही। सो अभी चलता हूँ खाने की तरफ, मिलता हूँ जल्दी। सो गाइस फाइनली मूवी इज़ डन, खाना पेट पूजा इज़ डन, मैकडी के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। सो मैं निकल रहा हूँ मॉल से बाहर, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई ना एक्सपोजर, या इस फिक्स नाउ। सो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनकें लगी हुई हैं, मतलब आप देख सकते हो व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। नाइस, मतलब जनता निकल रही है यार, एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। बट सही है यार, ये भी ज़रूरी है। सिनेमा मतलब काफ़ी टाइम से यू नो सफ़र कर रहा है सिनेमा वाले, वो लोग मोटा कमाते हैं सबको पता है, लेकिन अगर उनका नुकसान होता तो वो भी मोटा ही होता है। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम लोग बेल बॉटम देखने ही आए हैं या फिर पुआड़ा एमी विरक्की। सो गाइस फिलहाल ये था बेल बॉटम का व्लॉग, उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगा अगले किसी व्लॉग के साथ। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए रिलेटेड टू सिनेमाज या एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी, तो मुझे बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल ट्राई टू कवर दैट। सो फिलहाल ये था दोस्तों, मिल दूंगा जल्दी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।